नमस्कार साथियों, बड़ा जरूरी आज अभी आपसे जुड़ना हुआ। मुख्यमंत्री की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, अभी उनने दी है शायद कैथल या सफीदों के अंदर, और कहा है कि आज तक हमने किसी बाहरी आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं दी। मुख्यमंत्री से शायद झूठा इंसान आज तक किसी पद पर हरियाणा में तो नहीं आया होगा। उनके खुद के OSDs की लिस्ट उठा ले तो सारे भारी, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर्स की लिस्ट उठा ले तो सारे भारी, अगर हम और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अधिकतम भारी। और छोड़ो, जो SDO इलेक्ट्रिकल के लिए बोल रहे हैं इतने दावे के साथ कि हमने बाहर के लोगों को नहीं दी, अभी मैं फेसबुक पर भी डालूंगा कि पिछले साल की SDO इलेक्ट्रिकल की जनरल की 55 सीटों पर, मुख्यमंत्री जी आपके लिए है, आपके शायद सलाहकार आपको जवाब प्रॉपर नहीं देते, आपको प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं देते, कि जो 55 SDO इलेक्ट्रिकल पिछले साल भर्ती हुए थे जनरल कोटे के, उसमें केवल मात्र 8 हरियाणा के थे। आप सोचो कि कितने भारी थे और कितने अपने बच्चों को आपने रोजगार दिया। आपने तो हरियाणा के लोगों को आज मजबूर कर दिया कि हमारा बीटेक करा हुआ बच्चा तो चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरे, और गुजरात के बीटेक करे हुए बच्चों को आपने SDO जो भर्ती किया है। साथियों, अब समय आ चुका ऐसे झूठे लोगों को, जो झूठ की ताकत से, पैसे और मीडिया की ताकत से आज युवाओं को कमजोर कर रहे हैं, इनको आप जवाब दो। और मेरी तो उम्मीद रखता हूँ एक एक साथी अभी जुटेगा और जवाब मांगेगा मुख्यमंत्री से, डाटा के साथ जवाब मांगेगा कि इतनी झूठ क्यों आखिर मुख्यमंत्री को बोलनी पड़ रही है कि प्रदेश के युवा के साथ भी धोखा करते हैं, और धोखा देने के बाद जब युवा पोल खोलता है तो उसको झूठा बताकर तो उसको कमजोर करते हैं। साथियों, आज का दिन मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि सारे व्यक्ति, सारे मेरे साथी जितने भी हैं, इस झूठे मुख्यमंत्री से जवाब मांगो कि पिछले साल 55 नियुक्तियों में क्यों बाहर के लोगों की हिस्सेदारी 80% के लगभग थी। इस बार तो हमारी हिस्सेदारी शायद 3% थी, पर पिछले साल भी इनने 80% SDO इलेक्ट्रिकल बाहर के भर्ती किए थे। खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करो और मुख्यमंत्री से जवाब मांगो। नमस्कार साथियों, बड़ा जरूरी आज अभी आपसे जुड़ना हुआ। मुख्यमंत्री की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, अभी उनने दी है शायद कैथल या सफीदों के अंदर, और कहा है कि आज तक हमने किसी बाहरी आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं दी। मुख्यमंत्री से शायद झूठा इंसान आज तक किसी पद पर हरियाणा में तो नहीं आया होगा। उनके खुद के OSDs की लिस्ट उठा ले तो सारे भारी, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर्स की लिस्ट उठा ले तो सारे भारी, अगर हम और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अधिकतम भारी। और छोड़ो, जो SDO इलेक्ट्रिकल के लिए बोल रहे हैं इतने दावे के साथ कि हमने बाहर के लोगों को नहीं दी, अभी मैं फेसबुक पर भी डालूंगा कि पिछले साल की SDO इलेक्ट्रिकल की जनरल की 55 सीटों पर, मुख्यमंत्री जी आपके लिए है, आपके शायद सलाहकार आपको जवाब प्रॉपर नहीं देते, आपको प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं देते, कि जो 55 SDO इलेक्ट्रिकल पिछले साल भर्ती हुए थे जनरल कोटे के, उसमें केवल मात्र 8 हरियाणा के थे। आप सोचो कि कितने भारी थे और कितने अपने बच्चों को आपने रोजगार दिया। आपने तो हरियाणा के लोगों को आज मजबूर कर दिया कि हमारा बीटेक करा हुआ बच्चा तो चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरे, और गुजरात के बीटेक करे हुए बच्चों को आपने SDO जो भर्ती किया है। साथियों, अब समय आ चुका ऐसे झूठे लोगों को, जो झूठ की ताकत से, पैसे और मीडिया की ताकत से आज युवाओं को कमजोर कर रहे हैं, इनको आप जवाब दो। और मेरी तो उम्मीद रखता हूँ एक एक साथी अभी जुटेगा और जवाब मांगेगा मुख्यमंत्री से, डाटा के साथ जवाब मांगेगा कि इतनी झूठ क्यों आखिर मुख्यमंत्री को बोलनी पड़ रही है कि प्रदेश के युवा के साथ भी धोखा करते हैं, और धोखा देने के बाद जब युवा पोल खोलता है तो उसको झूठा बताकर उसको कमजोर करते हैं। तो साथियों, आज का दिन मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि सारे व्यक्ति, सारे मेरे साथी जितने भी हैं, इस झूठे मुख्यमंत्री से जवाब मांगो कि पिछले साल 55 नियुक्तियों में क्यों बाहर के लोगों की हिस्सेदारी 80% के लगभग थी। इस बार तो हमारी हिस्सेदारी शायद 3% थी, पर पिछले साल भी इनने 80% SDO इलेक्ट्रिकल बाहर के भर्ती किए थे। खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करो और मुख्यमंत्री से जवाब मांगो।